हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये शाम का टाइम तो मैं बना रही हूँ अभी चाय। अभी मैं मार्केट से लौटी हूँ। आज मैं गई हुई थी कुछ काम से मार्केट, मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं पूरा। मैं पैदल चल के जाना पड़ा, पहले एक फ्रेंड के यहाँ गए, फिर उसके साथ दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, और पूरा ही हम लोग चल के गए आज, पैदल ही गए थे। हमें लगा कि पास में घर, हम पहली फर्स्ट टाइम गए थे, तो इतने ज़्यादा मेरे पैर दुख रहे हैं ना। फिर लौटते समय उसने मुझे घर छोड़वा दी, और अचल में दोनों जन साथ में थे, तो आप इतने ज़्यादा मेरे पैर दुख रहे हैं। वहीं से मैं लौटते समय कहने लगी थी कि यार बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होने लगी है पैरों में। और बस घर लौटी हूँ तो अब चाय बना रही हूँ। एक वहाँ से तो पी के आई हूँ फ्रेंड के यहाँ से, मगर ना घर आके ऐसा लगता है कि तो एक चाय तो मिलना चाहिए, तो बस मैं चाय बना रही हूँ अभी, और उसके बाद एक कड़क सी चाय पीती हूँ। उसके बाद तो हुआ ये कि मैंने हस्बैंड से कहा कि गाड़ी बाहर निकाल दो, आज मैं मार्केट जाना है, मुझे गाड़ी लेके जाऊँगी। और वो कहते कि गाड़ी नहीं है घर पे, उनके एक फ्रेंड है वो गाड़ी लेके आज चले गए, हमारी स्कूटी लेके। तो बोले आज तुम्हें फिर पैदल ही जाना है, या तो ऑटो बुलवा लो या फिर पैदल जाओ। तो मैंने कहा बार बार ऑटो कहाँ मैं बुलवाती रहूँगी, अच्छा मैं पैदल ही चली जाती हूँ। तो इस चक्कर में ना इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई, आज बहुत लंबा चलना पड़ गया। और दिन में मतलब यदि घूमने जाते हैं ना तो वो नहीं लगता ऐसे उसमें चाय बन गई है। तो दिन में हम लोग यदि वॉक पे जाते हैं ना तो वो हमें उतना लंबा नहीं लगता, लेकिन दोपहर में जब कहीं जाते हैं ना भीड़ भाड़ में और चलते, ऐसा लगता था मुझे कि बस मैं चली रही हूँ। और मुझे लगता है एक साल बाद आज मैं पैदल गई हूँ, मतलब दोपहर में मैं कहीं मार्केट पैदल गई हूँ, और बिल्कुल मेन मार्केट में मेरी फ्रेंड का घर है, और उसके बाद उसके यहाँ से और फिर आगे काफ़ी लंबे हमें दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाना था, उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी था। तो क्योंकि फिर सोचते रहो कि अब जाएंगे, और फिर जाना नहीं हो पाता है। हमने कहा नहीं, अब आज हम चले ही चलते हैं, उन्होंने बुलाया है तो आज हम होके आ ही जाते हैं। इसलिए फिर हम दोनों गए, पैदल ही गए, और हालत हमारी इतनी ख़राब हो गई ना घर आके। फिर मैं उसके आके आधा घंटा करीब वहाँ बैठी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से घर आई। तो अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अब सो जाती, लेकिन थोड़ा सा चाय पी लूँ ना, उसके बाद फिर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए पूरी चाय मेरी उफन गई है, और मैं सभी से चुड़ा लूँ जल्दी से। तो आज दोपहर से इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, सारे बर्तन जमा दूँ, चाय वाय पी ली हूँ, और सब हो गई हूँ चाय पी के, अब थोड़ी एनर्जी आ गई है, आधा घंटे आराम भी कर लिया। उसके बाद अब मुझे बहुत सारे ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो इन्हें जमा के रखना है, तब तक ज्योति आ जाएगी और फिर वो खाना बनाएगी। देखती हूँ, क्योंकि मैं तो खा के आई हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना, एक आध रोटी खा ली, तो उसके हिसाब से फिर देखूँगी क्या बनवाती हूँ। वो आती है, सबसे पहले मैं जमा लूँ बर्तन ना। मेरा ये मंगलसूत्र पता नहीं क्यों ये ना ऐसा टेढ़ा ही हो जाता है, बस हमेशा इसको मैं ध्यान देती रहती हूँ कि ये टेढ़ा तो नहीं हो गया, तो फिर मैं इसे सीधा करती हूँ, ये ऐसा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ करवाना पड़ेगा। हमेशा इसका यही रहता है नाटक कि यदि ध्यान नहीं दिए ना तो वो कहीं यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ पीछे चला जाएगा, उल्टा पड़ा रहेगा, ऐसा रहता है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है इसको। तो चलो बर्तन धोती हूँ। मेरी वो जो दाल मैंने धो के डाली थी ना, वो दाल मेरी सूख भी गई है और बिन भी गई है, मैंने उसे बिन भी लिया है, और साथ ही उसका आटा भी पिसवा लिया है। तो मुझे भेजना उसे मम्मी के यहाँ, मम्मी कह रही कि जल्दी से भेज दो, फिर मौसम कई बार ख़राब हो जाता ना, तो पापड़ ऐसे बनते नहीं है पानी वगैरह, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश होने लगती है कभी भी, तो बोल रही कि जल्दी से भेज दो तो वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस मैं रख करके रख ली हूँ, मैंने उसे कल मैंने पिसवा लिया है, और उसका आटा मतलब छान के भी रख लिया, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना गेहूँ के कड़ा चक्की में पिसवाते हैं ना तो वो आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको पूरा छान भी लिया है, तो छान के रख लो तो बस जाके और वो बन जाएंगे पापड़। तो मेरी एक बुआ है तो वो बना देंगी।
मेरे बर्तन मुझे समझ नहीं आता, बर्तन और कपड़े का काम। कपड़े जब उठा के लाओ ना तो उसे घड़ी करना बड़ा मुश्किल वाला काम लगता है। सर तब आप कब जाके ये कपड़े हमारे घड़ी हो जाए। और ऐसे बर्तन जमाने का काम, बर्तन बर्तन धुले रखे रहते हैं ना और फिर सूखते हैं, फिर ऐसे रखते हैं भगवान इतने सारे बर्तन हैं इन्हें कहाँ कब तक जमाएंगे हम। ये पानी मैं ऊपर लेके जाती हूँ, मतलब रात में पीने के लिए लेके जाती हूँ। मॉर्निंग में हम लोग यही पानी पीते हैं, इस पानी को गर्म करके और उसके बाद इसे पीते हैं। तो मैं अभी ना भर के रख लेती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कई बार रात में, तो जल्दी जल्दी भरो तो मुझे याद धुला था ये, तो मैंने कहा अभी ही भर के रख लूँ इसको। और अभी अचल को पढ़ने बिठालना है क्योंकि अब अचल के एग्ज़ाम होंगे, अभी नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ, बाकी तो सब जगह हो चुके हैं। मेरे भतीजों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बाकी जगह भी मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ एग्ज़ाम हो चुके हैं, मगर अभी हमारे यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुए। हमारे यहाँ होली के बाद होंगे, होली और पंचमी के बाद कह रहे हैं इसके सर कि पंचमी हो जाए तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बस बर्तन जमा लूँ उसके बाद फिर अचल को पढ़ने बिठा लेती हूँ। ऐसा तो वो खुद ही बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी ना हमें पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, क्या चीज़ रह गया है। तो थोड़ा शाम के टाइम पे मैं बिठाल देती हूँ और थोड़ा बहुत देख लेती हूँ क्या क्या करवाना है उसको या क्या याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे कभी कभी बिठाल लेती हूँ। तो लाइट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अभी ज्योति आई नहीं है, तो लाइट वाइट सारी लाइटें जला के रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ और अब बस बिठाल रही हूँ अचल को पढ़ने के लिए। चलो चल बैग लेकर जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो मैं अचल को पढ़ा रही थी तो अचल कहता है कि नहीं आप मेरा वीडियो मत बनाना, मतलब मुझे वीडियो में आप मत दिखाना क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता मैं वीडियो में दिखता हूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैंने इसलिए वो नहीं क्लिप ही मैंने हटा दी, उसको डिलीट ही कर दिया और मैं ऊपर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ की लाइट बंद है, ठीक है लाइट पहले चालू करूँ। अब मैं थोड़ा करूँगी अपना स्किन केयर और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो सभी जगह की लाइट लाइट ऑन कर लेते हैं, उसके बाद स्किन केयर करती हूँ मैं। तो मैं यूज़ करती हूँ ये ममा अर्थ का और मैंने इसे अभी बुलवाया है, करीब 1 मंथ हुआ मुझे इसे बुलवाए हुए। 1 मंथ से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी इससे मतलब फ़र्क समझ में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये मेरी स्किन पे वर्क कर रहा है। तो बस ये फॉर्मिंग फेस वॉश है विटामिन सी का और बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। बस ये इंस्टेंट स्किन केयर ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश है, इसमें विटामिन सी है, एलोवेरा है एंड टर्मरिक भी है। इसमें लेमन ऑयल है, कुकुम्बर है जो हमारी स्किन को काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। इसका जो सिलिकॉन ब्रश है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इसे लगाकर करीब 1 मिनट तक मसाज करती हूँ, उसके बाद इसे वॉश कर लेती हूँ एंड आप मेरी स्किन में फ़र्क देख सकते हैं। ये पैराफिन फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। एंड ममर्थ की डायरेक्टली वेबसाइट से यदि हम इसे लेंगे तो हमें 20% ऑफ मिलेगा एंड जो इसकी क्वांटिटी है वो 150 ml की है एंड इसका जो प्राइस है वो 399 में मुझे मिला है। तो मैं इसे ब्रश से लगाने के बाद इसे थोड़ी देर हाथों से भी मसाज जैसे करती हूँ और फिर मैं एकदम सादे पानी से इसे वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैं पूरे मतलब आँखों के ऊपर भी वहाँ पे लगाती हूँ, सभी जगह लगाती हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी इसका यूज़ कर रहे हैं एंड ये मतलब मैन वुमन सभी के लिए है। तो मेरा बेटा भी इसका यूज़ कर रहा है, मैंने उसके लिए भी बुलवाया है।
तो आप खुद ही देख सकते हैं मेरी पहले की स्किन और अभी जब मैंने फेस वॉश किया है उसके बाद की मेरी स्किन, तो काफ़ी ज़्यादा इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है और मेरी आँखों में फेस वॉश चला गया है जिसके कारण मेरी आँखें थोड़ी सी लाल हो गई हैं और दिख रही हैं, एक आँख काफ़ी लाल हो गई है मेरी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं लगाती हूँ ये ममाअर्थ का एलोवेरा जेल। हाथों में लेके ही लगा लेती हूँ। और इसे थोड़ी देर हम उसके बाद इसे सूखने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये गार्नियर की रिंकल लेफ्ट क्रीम का, और मैं इसी को लगाती हूँ, मैं नाइट क्रीम में इसी का यूज़ कर रही हूँ और मैं भी इसे भी मैं वन मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों ही चीज़ें मैं वन मंथ से यूज़ कर रही हूँ और अब मैं आगे आगे इसका रिज़ल्ट देखूँगी। तो अभी तो इतने दिन से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। तो मैं जब से मतलब ये फेस वॉश का यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनटेन हो गया था अभी, तो काफ़ी ज़्यादा देखिए अब काफ़ी कम नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरी नोज़ मेरी भर जाती है, विंटर में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बिल्कुल वन मंथ से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, धीरे 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 ये रिमूव हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा और ये यहाँ पे भी आ गया था मुझे काफ़ी ज़्यादा, दोनों साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा सनटेन हो गया था, तो ये काफ़ी कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अब तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जब धूप में जब हम रहते हैं ना तब समझ में आता है, नहीं तो ऐसे इतना ज़्यादा नहीं वो दिखाई दे रहा है। तो इस मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये और आगे भी मैं इसका यूज़ करते रहूँगी, तो काफ़ी मुझे पसंद आया है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो यदि मैं उस तरह का वीडियो बना सकूँ तो मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूँगी, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा। मैं आप लोग क्या देखना चाहते हैं, रेसिपी देखना चाहते हैं या DIY वीडियोस देखना चाहते हैं, रियूज़ वीडियो देखना चाहते हैं या फिर ब्लॉग देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो आज का छोटा सा ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी और जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।